गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनश शॉट। गनश शॉट में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं जनरल राजीव नारायणन टू डिस्कस अबाउट द जोरावर टैंक, लाइट टैंक विच वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू। राजीव, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनश शॉट वंस अगेन। वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यस थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अगेन। एंड यस, Zorawar is the flavor of the season at the moment, so we can go ahead discussing with it. Actually, concept of light tank to early 2000s se chala ja raha tha. Lot of work was done by the DGMF's office also at that time. Study Eastern General VK Singh when he was Eastern Army Commander and then Chief. I had the opportunity to be involved with that, but फुल मार्क्स टू द देन DGMF, जो अभी DB एरिया में है, KS Brar, दैट फाइनली वी सी समथिंग ऑन ग्राउंड एंड समथिंग व्हिच इज इंडियन। एट दैट पॉइंट इन टाइम आई विल शेयर सबके साथ कि हमें पता नहीं था क्या प्लेटफॉर्म, तो हम सब तरह के प्लेटफॉर्म देख रहे थे। जैसे देयर वाज अ AMX-10 व्हील्ड था, फ्रेंच था, देन CV-90, CV-105, 120 जो स्वीडिश वाला था, देन रशियंस ने बनाया हुआ था PT-76 के ऊपर स्प्रूत, उसको भी देख रहे थे। तो इस तरह से तीन चार जो लाइट टैंक्स वर्ल्ड ओवर थे एंड वी वर ट्राइंग टू सी कि हम व्हाट कैन वी डू इन व्हाट मैनर कैन वी ब्रिंग इट आउट। बट जब T-72s ऊपर चले गए, एट दैट पॉइंट इन टाइम फंडिंग भी उतना होता नहीं था, तो इट वेंट ऑन अ बैक बर्नर। और ये जब चाइनीज अपना ZTZ-15 और ये टाइप 15 या VT-5 या टाइप 15 VT-15 हाँ, तब से ये तूर पकड़ा है। एंड वी मेड अ सॉर्ट ऑफ अ स्लाइड शो टू डिस्कस, वी कैन गो थ्रू दैट सर। या Yeah, and इससे पहले कि you know we start getting into the slide show, I must tell you, like what General Narayanan said, the concept of a light tank was not new. The only problem is, to be very honest, when we had this concept of a light tank, we didn't have that threat on the northern border the way it is today, right? It is only somewhere around 2015-16 when the weight of our thinking shifted to the northern borders, that we said, look, we need a tank for that. And we had all kinds of ideas. But lo and behold, 2020 happened. There was pressure on us. And suddenly we realized we did take tanks up there. We did take our existing tanks up there. They did well. But then we realized they are not the best tanks for that place. We need a tank tailored for high altitude. So, and एक चीज उसमें समझाना है, why we say it's not tailored for the Russian tanks are meant for the rolling plains of the Central European area. So there is not much of depression of the gun or elevation of the gun that is given there. अब पहाड़ पे लेके चले जाओगे टैंक को, तो आपको एडिक्वेट डिप्रेशन चाहिए नीचे मारने के लिए, नहीं तो डेड जोन बहुत लंबा हो जाता है। इसका -5 to +10 है आपके T-72 का, तो पहाड़ के ऊपर ले जाते हो तो डेड जोन काफी हो जाता है जहां फायर नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये बनाया था कि आपको -10, -20, +20, तो इट इज -10 to +20 एंड इट विल द डेड जोन बिकम्स लेस। Not only that, you know, the high altitude environment demands a certain amount of engineering. ठीक है ना? और खास करके ये इंजन जो है ना, वो इंजन्स हैं, दे आर टू द अनइनिशिएटेड, ये नेचुरली एस्पिरेटेड, एस्पिरेटेड हवा अंदर खींचते हैं। एक्स्ट्रा के लिए आप या तो सुपरचार्जर लगा लो जैसे T-72 के टैंक में है, या T-90 के जैसे आप टर्बो लगा दो, लेकिन अगर हवा ही कम है तो किस तरह से आपका इंजन वहां काम करेगा? वहां ऑक्सीजन नहीं होता, तो आप किस एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन कम है, हवा भी कम है, तो हाउ डू यू ओवरकम दिस, हाउ डू यू हैव योर इंजन डिजाइन व्हिच विल ओवरकम दिस। और एक और प्रॉब्लम है, अगर आप
वैसे इंजन चलेगा, ऐसी बात नहीं कि इंजन रुक जाएगा, पर इंजन चलेगा। उस इंजन को चलाने के लिए आपको बड़ा तेल की जरूरत होती है, आप इंजन को ओवरवर्क करते हो। उदाहरण के तौर पर मेरे को अभी भी याद है, हमारे मेरे जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था नॉर्थ सिक्किम में, हमारा रोल था, तो हमें एक महिंद्रा जीप मिला, नया ब्रांड न्यू, ठीक है। 3 महीने हमने चलाया नॉर्थ सिक्किम में, इंजन बदली करना पड़ा कथम। जो नॉर्मल इंजन, ठीक है, 1 लाख किलोमीटर चलता है डीजल इंजन प्लेन्स के अंदर, वो सिर्फ 3 महीने में वहां खत्म हो गया। तो आपको अगर वहां एक टैंक लेके जाना है, आपका इंजन में बदलाव होगा, चाहिए एक टेलरमेड इंजन। ये होता है सर, आपका तेल होता है जो लुब्रिकेंट के काम करता है, आपका जब पिस्टन ऊपर नीचे जाता है तो इट इज द ऑयल व्हिच इज गिविंग ऑयल, या ऑयल का वो एक विस्कोसिटी लेवल होता है, हाई ऑल्टीट्यूड पे जब जाते हैं वो खराब हो जाता है, वो उसका विस्कोसिटी लेवल खत्म हो जाता है, तो अब आपका फ्रिक्शन ज्यादा होने लगता है, तो इंजन का लाइफ खत्म हो जाता है। इंजन और ऑक्सीजन भी नहीं होता, तो इंजन वो जो तेल है वो जलता भी नहीं। दुशांबे में इंजन के पास जो कार था, एवरी विंटर पूरा उसका नॉट ओनली द कंप्लीट सम्प क्लीन करके फ्रेश हम कोल्ड सीजन वाला तेल भरते थे उसके अंदर। इवन जो अपने ये था अपना स्पेशल जो रेडिएटर के अंदर जो चलता है पानी, स्पेशल उसमें फ्लूइड डलता था ताकि वो आइस नहीं बनेगा विंटर में, वही और दोनों पूरा चेंज करना पड़ता था। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ, वो इंजन जो नॉर्मल हम इंजन के अंदर या रेडिएटर के अंदर पानी डालते हैं, वहां पानी नहीं डलता, या वो नॉर्मल जो कूलेंट डलता है जिसमें ज्यादा अल्टीट्यूड वाला, उसमें ज्यादा अल्कोहल होता है, अल्कोहल क्योंकि जमता नहीं है। कई बार पुराने जमाने में देखोगे उसमें ब्लूइश टिंज, पुराने जमाने में एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, शक्तिमान गाड़ियों में हम रम भरते थे पानी के साथ, 2-3 बोतल रम भर देते थे, तब जाके वो जमता नहीं था, राइट। कई लोगों ने देखा होगा अपने राजस्थान पंजाब में भी सर्दी के टाइम अपने पेट्रोल टैंक के डीजल टैंक के नीचे ट्रक वाले सूत्र जला के रखते थे गर्म करने के लिए, रखते हैं ताकि वो गर्म करने के लिए। 90s की बात है जो, तो ये इट्स नॉट अ, तो बात ये है कि इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। तो 2020 में तो हमें जब हम वहां अपना नॉर्मल टैंक T90 वगैरह हमने जब डिप्लॉय किया था, हमें पता चला कि वी नीड अ टैंक। बट उसके साथ साथ एक अच्छा चीज हुआ था, वो ये हुआ था कि हमारा आर्टिलरी में K9 वज्रा जो सेल्फ प्रेपेल्ड गन है उसको हम ऊपर लेके गए। वो हल्का टैंक सिस्टम था, 38-40 tons आर्टिलरी गन के लिए, इट वाज वेरी लाइट, और वो इंजन वहां ठीक काम किया। बट एज अ DGRT आई वाज नॉट हैप्पी विद दैट इन हाई एल्टीट्यूड, सो आई टोल्ड LNT, आई स्टिल रिमेंबर दिस, आई सेड मेक दिस हाई एल्टीट्यूड कैपेबल, आई वांट दिस हाई एल्टीट्यूड कैपेबल। उसके लिए एक हाई एल्टीट्यूड किट होता है जहां सुपर एक टर्बो चार्जर लगता है इंजन के ऊपर, जिससे ज्यादा हवा खींच सकता है इंजन में, और उसका कंप्रेशन रेशियो भी बदलने के लिए एक एडाप्टर होता है, वो सब उन्होंने फिट किया। ये सब खैर वो फिट हुआ जब हम रिटायर हो गए थे, पर इससे क्या है, हमारे पास एक इंजन है आज के दिन जो हाई एल्टीट्यूड केपेबल है। तो इसका पूरा मिश्रण ये हुआ हमारा लाइट टैंक, उसके और भी पहलू है सिर्फ। सो वी स्टार्टेड विद दिस, we had a requirement, we had a proven system which could go to high altitude, but that was a tank, it was not a tank, it was a gun, it was a self-propelled gun. We needed a tank. This transformation from the self-propelled gun into a tank is the story of Zorawar. There are a lot of things which happened, and at the outset, like General Rajiv Narayanan said, full marks to General K.S. Brar, who initiated this whole project and brought it to this level.
Right. Now, Rajiv, you made a good presentation. I would like you to go through the whole presentation, and after that, we'll just get back to discussion, because I see a lot of interest and a lot of people are asking questions already. And I'd like to tell everyone, I'm going to ignore all the questions which you put so far because they're useless. Okay. I'm going to start taking questions from the bottom. So hold your horses and, you know, ask your questions when General Narayanan has put across his point of view. Rajiv, should I start with the presentation? Sure. This is that Zorawar tank that you see. Ye piche background mein aapko dikh raha hai. This is that Zorawar tank where there is a protection right down till the base. So, okay, sorry. Yeah. No, yeah, talk of the base, sorry. So this is covering almost till the base of your road wheels. You can see the full protection. I'll come about that armor a little later. Now, this is a comparison, broad comparison between our tank and what the Chinese have brought out, the Type 15, which is roaming around there. Now, the difference you can see is in the weight. Ours is 25 tons, his is 36 tons. Crew is the same, main gun is the same. Secondary armament mein thoda antar aata hai. We also have a 12.7 mm remote control weapon system. Matlab commander andar se baith ke fire kar sakta, usko bahar nikal ke nahi aana padta. Iska bhi usi tarah se hai. Hamare paas bahar, when you look towards the left side of the Zorawar, this is the two ATGMs. It has ATGMs available to fire external. And it has 1681 mm smoke grenade discharges to hide itself. These are special smoke grenade discharges which disrupt your IR signatures and disrupt the sensor of the incoming missile also, the terminal guidance. Balki PLA ke tank ke andar 40 mm ek AGL bhi de rakha hai, bahar ki taraf. Aur ATGM wo main gun se fire karta hai aur 6 smoke grenade discharges. दोनों के स्पीड बराबर हैं. हमारा इंजन जो है कमिंस का इंजन है, 760 हॉर्स पावर देता है. इट जनरेट्स अ 1:40 हॉर्स पावर टू टन रेशियो, तो इट इज अ 1:40. इसका 1000 हॉर्स पावर होते हुए भी, क्योंकि ये भारी है, इज अबाउट 1:30 हॉर्स पावर पर टन. योर पावर टू वेट रेशियो 1:40, मतलब आप सडन स्पर्ट स्पीड आप फटाफट लेके जा सकते हो और मूवमेंट बड़ा आसान होता है आपका, ताकत आपको काफी मिलता है. बाकी जो स्टैंडिंग से आपको स्पीड लेना है वो तो इंजन के टॉर्क के ऊपर डिपेंड करता है, कौन कितना टॉर्क देता है. तो ये अंतर आ जाता है आपका. तो इसमें दोनों में अंतर ये होगा कि आपका टैंक ज्यादा ग्रेडियंट का एंगल ले सकता है, उनका टैंक नहीं ले पाएगा क्योंकि वो 1:30 है. इट विल गो ऑल अबाउट 50-60 डिग्री स्लोप. जोरावर विल गो मोर देन 60 डिग्री स्लोप बिकॉज 1:40 है द पावर टू वेट रेशियो. या आई जस्ट वांट टू पुट अक्रॉस ऑन दिस VT-15 ZTZ-15 जो PLA का टैंक है. ये जो टैंक है, इट्स नॉट ओनली फॉर हाई एल्टीट्यूड, दिस इज ऑल्सो फॉर मराइन्स, दिस इज ऑल्सो फॉर देयर यू नो जंगल एरियाज इन साउथर्न चाइना एंड ऑल दैट. उन्होंने वो एक लाइट टैंक जो उनके पास है, उन्होंने उसको अडेप्ट किया है फॉर हाई एल्टीट्यूड. इट इज नॉट अ हाई एल्टीट्यूड स्पेसिफिक टैंक, राइट? वेर एज जोरावर जो है वो बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड के लिए फिट है. यू कैन से इट इज एन इंडियन माउंटेन टैंक. माउंटेन टैंक. एंड ये जो टैंक अगर हम चाहते हैं और रोल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना? तो इसका जो प्रोटेक्शन है, जैसे बेस है ये, तो पूरा जो आपका दिस इज द फास्टेस्ट फ्रॉम द ड्राइंग बोर्ड, क्योंकि अपने पास था सब कुछ, 2 साल में हो गया. 20 को ये द फेल्ट नीड केम इन 20. ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो भी आपको स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स वगैरह बनाने थे वो सारा कुछ क्लियर होके 2022 में
स्टार्ट हो गया था प्रोसेस, दो साल के अंदर आपके पास अभी ट्रायल्स के लिए डीआरडीओ एंड एलएनटी हैव गिवन इट टू देम. दिस वाज लेड बाय द डीजीएमएफ, देन डीजीएमएफ जनरल ब्रार जिसके बारे में बात किया था, और उसकी टीम डीजीएमएफ डीजी आर्मड कोर के, डीआरडीओ की टीम एंड द टीम फ्रॉम एलएनटी, ये तीनों ने मिलके खूब सारे वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह सब कर पुरा के किया है. हल जैसे जनरल शंकर ने बताया था, वज्र का हल है, ड्यूली मॉडिफाइड एज नीडेड. इसका आर्मर किस तरह से, तीन लेयर का आर्मर है, बार की तरफ प्रॉपर रोल्ड होमोजीनियस आर्मर है, उसके अंदर देर इज अ लेयर ऑफ हार्ड स्पेस्ड आर्मर, और उसके अंदर की साइड जो है क्रू की तरफ है इज एन स्पेशल आर्मर डिजाइंड डेवलप्ड मेड बाय इंडिया विच इज नॉन फ्रैगमेंटेबल, वो फ्रैगमेंट नहीं होता है. जैसे अगर दुश्मन हाई एक्सप्लोजिव स्क्वाश हेड करके एक एमिनेशन होता है फायर करता है, तो वो छेद आर पार छेद नहीं करता है, उसके एक्सप्लोजन से अंदर से अंदर का आर्मर प्लेट जो है वो टूट के निकलता है. अब इस प्लेट से वो नहीं होगा. टरेट जो है ये बेल्जियन कंपनी है कॉकरिल, उनका 105 mm हाई प्रेशर राइफल्ड गन इस्तेमाल किया है और कस्टमाइज टरेट है, और इसका पूरा टीओटी डिजाइन सब अब एलएनटी के पास है और यहां बनता है. इंजन मैंने बताया कमिंस का है, वो भी सब कुछ यहां आ गया है, प्रोटेक्शन इन हाउस है, सारा डिजाइन इन हाउस आ गया है. टुवर्ड्स द एंड आई विल टच ऑन द डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस, उसमें भी ये समझ में आ जाएगा जब मैं बोलता हूँ पूरा डिजाइन भारत के अंदर है. भारत ने ऑलरेडी 1000 to 1200 हॉर्स पावर इंजन बना दिया है, जो T90 Mark III में है वो इन हाउस बना हुआ, वो लगा हुआ है. तो आपको अगर अपग्रेड करना है आगे चल के, तो आपके पास एक इंजन तैयार है विच यू कैन मॉडिफाई फॉर यूज इन हाई ऑल्टीट्यूड एंड पुट इट. या सो यू नो जनरल राजीव नारायणन हैज स्पोकन अबाउट एलएनटी. सी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स हियर इज द डीआरडीओ हैड सम एक्सपर्टीज ऑन बिल्डिंग अ टैंक. What their expertise on Arjun, and they had good expertise. And a 105 mm gun, we have always had very good results with the 105 mm. Plus the fact that we now had, when this whole project started, we had in L&T a armored system complex which could make these platforms. You know, just to give you an idea, you know, people think I don't. You know, look at this. This is me. Okay, as a DGRT, I got this Vajra going, and that is today paying off. I'm so happy that this light tank is coming through. Okay, all yours again. Let's go back to your thing. Yeah, now, you're talking of active protection and all. Correct. Now there is an in-house bana hua hamara design. एक्टिव प्रोटेक्शन किट जो T90 Mark III में लग रहा, इट इज नॉट इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड. यू मे हैव हैड डिस्कशंस विद देम, यू मे हैव सम साइंटिफिक डिस्कशंस विद देम, बट दिस इज इन हाउस मेड. और वो T90 Mark III जो अभी 464 बन रहे हैं, जिसके आई थिंक 10-15 ऑलरेडी हैंड ओवर हो गए हैं आर्मी को, इसमें ये दो चीजें हैं विच कैन बी यूटिलाइज by these tanks also to build it up. तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी जोरावर को इस तरह से हम पहले से भी लड़ते थे कि you must have your own ecosystem for making your armaments. जोरावर का success 2 साल का ये था कि आपके DRDO, L&T and में आपका, और DGMF तो था ही था, the service headquarter. So you developed an ecosystem, DRDO and L&T. When you do such things, then you can speed up your process of making things and fielding things. Yes, abhi iska user trial chalna hai. So on the flow, kya kya changes hote hai, we can't tell. But this is one of the biggest success ki in 2 years, their own user trial is complete. And it is coming for not only user, it is also going to do parallelly the aapka maintainability trials. I'll touch upon it a little later. So next slide, please. Yeah. So like I said, this has been on the radar. Ek piche.
This has been on the radar since early 2000. And General V.K. Singh ka study tha, 2009-10, I was party to it, where it was identified that you need such platforms, not just for Eastern Ladakh, for the complete Eastern sector itself at a number of places. Now, this has come, like we had discussed earlier, very opportune movement, and especially the standoff with the PLA ne aapko diya ki aapko ye chahiye wahan pe, because sustaining those tanks up there is quite a problem, and getting it down also is quite a problem. Taking it up also was a very, very, very big challenge. Keval Eastern Ladakh mein hi nahi, hum North Sikkim mein bhi leke gaye hain. Wo aasan nahi hai, kyunki ye bhari hai, 48 ton behemoths. It's not easy to take it up. Whereas ye 25 ton ka hai, to aasani se aap le ja sakte ho. Eastern sector mein ye jo study humne kiya tha tab, it holds true till now. You should look at wheeled platform. व्हील्ड प्लेटफॉर्म्स का मेरा मानना है कि हम जहां भी टैंक को लेके जाना है, यू आस्क फॉर एडिशनल रेल फैसिलिटी ARF, क्योंकि नॉर्मल रेलवे प्लेटफॉर्म में आपके टैंक्स वगैरह लोड अनलोड नहीं कर सकते. यू नीड अ हैवी प्लेटफॉर्म रैंप ऑन विच द फ्लैट्स पे आते हैं टैंक, जिस पे टैंक जाते हैं, ICVs जाते हैं, उसको फ्लैट्स बोलते हैं, उसके अंदर लोड करके आप चेन करते हो. तो ये एडिशनल रेल फैसिलिटी जहां जहां है वो तो दुश्मन के टारगेट लिस्ट में होगा फॉर एयर एंड हिज मिसाइल्स. वो हिलने वाले तो है नहीं वहां से, तो एयर एंड मिसाइल टारगेट लिस्ट में वो बने हैं. लेकिन अगर आपका व्हील्ड है, आप तो नॉर्मल रेलवे प्लेटफॉर्म में भी उतर के आ सकते हो. जहां से आपकी गाड़ियां अनलोड होती है वहां से ये भी अनलोड होके आ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि इतने सारे आप फिर मिसाइल्स और एयर अटैक्स करने के लिए थोड़ा दिक्कत आ जाता है. बट आई लीव इट टू द डिसीजन मेकर्स. आई एम श्योर दे'ल टेक करेक्ट कॉल व्हेन इट इज नीडेड. तो अब फ्यूचर एक्सपेंशन क्या है? उस स्टडी में हमने लिखा हुआ था, आई वोंट से हमने, क्योंकि जब ये मैकेनाइज्ड फोर्सेस का हिस्सा मैं कर रहा था, मेरी सिटिंग्स 3 कोर कमांडर के साथ होती थी, 4 कोर कमांडर के साथ होती थी, 33 कोर कमांडर के साथ होती थी, मेरी DGMF के साथ होती थी, मेरी कमांड के स्टाफ के साथ होती थी. उसके बाद ये पूरा बना के ये पेपर गया था, जो एक्सेप्ट कर लिया गया था वहां पे कि हाँ ये चाहिए. कि भाई अभी तो हम रोक दिखा रहे हैं कि आई कैन गिव हिम अ बड़ी नोज, थोड़ा अंदर जा सकता हूँ. थोड़ा अंदर क्यों? अल्टीमेटली यू नीड टू हैव अ क्रेडिबल, इफ नॉट अ प्यूनिटिव डेटरेंस कैपेबिलिटी के डरे, उसके लिए यू नीड एडिक्वेट मैकेनाइज्ड फोर्सेस टू गो अक्रॉस अलोंग विद इन्फेंट्री. क्योंकि टिबेट इज अ प्लेटो, वहां पे आर्मर चल सकता है. हमारे तरफ दिक्कत होता है, ओनली लिमिटेड एवेन्यू से जहां से आ सकते. या दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट ही इज सेइंग. यू नो यू कैन गो अक्रॉस टिबेट इफ यू हैव आर्मर, ही कांट कम अक्रॉस इफ ही हैज आर्मर. बस उसका हद एलए तक, एलएसी से पार करने के लिए वो इन्फेंट्री के साथ ही आ सकता है. बट द थिंग विद द एलएसी इज यू कैन गो विद कंप्लीट फोर्स अक्रॉस, व्हिच इज अ ह्यूज एडवांटेज द मोमेंट यू हैव दिस काइंड ऑफ टैंक्स. द मोमेंट यू हैव एन इन्फेंट्री व्हिच हैज गिवन यू अ ब्रिज हेड, और उसके अंदर आपके आर्मर आ गया ब्रेकआउट के लिए स्ट्राइक कोर, देन वो उसको डर लगता है कि भी कहां कहां चला जाएगा. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. So that was one which we had said ki dono sector mein we need to have adequate resources to be able to take the battle across with mechanized forces, and you require more vajras. That's where we were looking at more SPs with them, SP artillery to give them support, and quite a lot of infantry which was going to be functioning with them to be motorized infantry. Wo sara banaya hua, to wo future expansion hai. I'm not looking at it immediately. Similarly, ये light tanks you also need for the recce regiments of your armored divisions and strike force. And ये recce regiment का organization structure भी बनाया हुआ है कि it's a calibrated mix of tanks and ICVs. ICVs मतलब mechanized infantry. उसके पास ISR capability, because either he has the capability to fly his own drones,
एंड ऑल्सो हैज द कैपेबिलिटी फॉर द हेल मेल के जो ड्रोन उड़ रहे हैं उसका फीड उसके पास आना चाहिए समझने के लिए. इन्फेंट्री एंड ऑल दिस फायर पावर इज रिक्वायर्ड क्योंकि दिस रेकी रेजिमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डू अ रेकी इन फोर्स टू फाइंड आउट द वीकनेसेस वेयर द एनिमीज वीकनेसेस आर. सो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए काफी स्कोप है आपको ये लाइट टैंक्स के लिए. इट इज नॉट नेसेसरली ओनली फॉर द माउंटेनस एरिया बट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशली वेन वी आर गोइंग इन टू ईस्टर्न लद्दाख एंड योर ईस्टर्न थिएटर. Let us look at a full family of weapons and equipment on the platform of these light tanks. It eases your MRO cover tremendously. Mix mat karo. Already you have one. You have a light tank and you have Vajra. Basic platform dono ka same hai. Usi ke upar ICV bhi dal do, ADV dal do, signal ke liye jo chahiye, engineers ke liye jo chahiye. EME के लिए जो चाहिए रिकवरी व्हीकल्स रिपेयर व्हीकल्स सारे प्लेटफॉर्म्स इसमें डाल दो आप. मेंटेनेंस मतलब इकोनॉमी ऑफ स्केल हो जाता है आपका कंप्लीट एमआरओ कवर सस्टेनेबिलिटी रिलायबिलिटी बड़ा आसान हो जाता है आपको मैनेज करने का. अलग अलग तरह के अगर इक्विपमेंट आपके होने लगे तो मैनेजिंग ऑल द स्पेयर्स एंड एवरीथिंग ऑल्सो बिकम्स अ नाइटमेयर आउट देयर बिकॉज वहां पे आपको फिर इट इज ईजी फॉर वाई आई एम सेइंग फ्यूचर एक्सपेंशन में ये सब देखना है. वहां पे आपको स्टॉकिंग कैपेबिलिटी भी तो रखना है. माउंटेन्स ईट अप स्पेस. स्पेस आपको उतना मिलता नहीं है माउंटेन्स में. डोंट लुक एट इट ओनली फ्रॉम ईस्टर्न लद्दाख पॉइंट ऑफ व्यू. यू हैव टू गो टू सिक्किम यू हैव टू गो टूवर्ड्स तवांग एंड ऑल दीज प्लेसेस. And requirement jaise more in 4-core and a lot in 3-core was there are a whole lot of ALGs available. So agar iske airborne core wahan pe aate hain aapko piche se cut off karne ke liye, to these are the forces, the mechanized forces who will be the first responder to go and tackle those airborne forces who have come and deployed so that they don't get to get together and regain command and control very fast. So, वो सब उस पेपर में दिया हुआ है कॉन्सेप्ट वगैरह. बट आपको लॉजिस्टिक कवर देखना पड़ेगा ना इन सब फोर्सेस को. जब आप लगाते हो हाउ मेनी फोर्स कैन यू सस्टेन इन अ पर्टिकुलर एरिया कितने दिन का लॉजिस्टिक कवर आप दे सकते हो उसके लिए आपको अपने वेयर हाउसिंग वगैरह भी सोच समझ के रखना है किस तरह से करना है. अब तो फ्यूचर में और आसान हो जाएगा क्योंकि अब हम टनल्स में एक्सपर्ट हो गए हैं तो अब टनलिंग वगैरह करना शुरू कर दिया है. सो यू डोंट हैव टू डिपेंड ओनली ऑन दी थिंग्स कमिंग इन बाय एयर विंटर्स में. योर टनल्स एंड ऑल विल मेक श्योर यू कैन गो थ्रू बट इट इज नॉट जस्ट कि टनल बन गया तो यू कैन गो थ्रू इन विंटर. यू नीड टू हैव योर बॉर्डर रोड्स पीपल डिप्लॉयड टू क्लियर द रेस्ट ऑफ द रोड जो टनल के अप्रोच एंड एग्जिट ऑफ द टनल है वहां पे स्नो काफी आ जाता है. यू गॉट टू कीप क्लियरिंग दैट. इट्स नॉट जस्ट कि टनल बन गया तो 24/7 365 डेज अ ईयर यू विल गो. नो स्नो टनल के ठीक है वो पास क्लोज नहीं होता है. टनल बन गया है आप चले जाओगे बट बाकी आगे पीछे सड़कों में बर्फ तो पड़ा है उसको निकालना पड़ता है. Hey, not only that, along these roads and tunnels, many of them, for example, रोहतांग में तो टनल बन गया अटल टनल बट व्हाट अबाउट बियॉन्ड दैट आल्सो लाइक इन अ प्लेस लाइक तांगला देयर आर मल्टीपल पासेस वेयर देयर इज हाई स्नो लाइक बारालाचला इज वन ऑफ द हाईएस्ट यू नो वेयर स्नो एक्युमुलेशन इज द हाईएस्ट. सो फार वी हैव नॉट बीन एबल टू इवन मेक थिंक ऑफ अ टनल देयर. सो वी हैव टू थिंक ऑफ समथिंग राइट एंड यू माइट हैव टू क्रिएट अ टनल आउटसाइड यू नो नॉट एक्चुअली कट थ्रू द थिंग जस्ट टनल द रोड इटसेल्फ. You know, you have to think out of the box. You make a road and you make a top on top of it to make sure that the landslide and the avalanche and all goes away and doesn't come on the way. Or even if snow comes, it gets, you know, you then once the snow comes, you're still in a tunnel. You know, those are the things which we have to think and there's a long way for that. Yes. Okay. That is why all these in future. Now, how do you, what is coming through is the army has to take charge and oversee these processes and you have to go through with it completely with the process. The parallel trials jisko hum OCCART bolte hain, the accelerated
you have user and reliability trials. So both are going together. The user trial is also going together. And the EME is also doing its reliability trials for that, so that the complete, by the end of the trials, not only are you having an effective equipment, you also know in this reliability trials, which are the spares which are fast moving, medium, slow moving, medium moving, the key spares, वो सारा details फिर EME को पता लग जाता है ना उसी reliability trial से. Then the whole stocking system can be planned through the ordinance कि भाई मुझे इस equipment को maintain करने के लिए ये 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 चीजों की जरूरत पड़ेगी, इनको यहाँ रखना है क्योंकि fast moving है, ये medium moving है, यहाँ रख सकता हूँ, ये slow moving है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ रख सकता हूँ. So all your layered stocking also comes into place. This is very 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 important. केवल यूजर ट्रायल से आपका इक्विपमेंट फील्ड नहीं हो सकता जब तक आपका रिलायबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रायल्स हैव नॉट बीन डन. आप सस्टेन कैसे करोगे उसको? देन प्रोडक्शन फैसिलिटीज आपको मेंटेन करने के लिए, प्रोडक्शन फैसिलिटीज में पैरेलल आपके फ्लोर्स होने चाहिए, एक तो नया इक्विपमेंट को जो बना रहा है, दूसरा जो आपके फील्ड में जो इक्विपमेंट जा चुका है उसके लिए जो स्पेयर्स चाहिए, उसके सस्टेनेबिलिटी चाहिए, एंड एक आपको सेटअप आगे बना के देना पड़ेगा कि कोई मेजर रिपेयर्स ओवरहॉल करने के लिए या मेजर रिपेयर की जरूरत पड़ती है तो कहां तक पीछे उस इक्विपमेंट को लेके आना है, उसका रिपेयर फैसिलिटी भी तो आपको तैयार करके देना पड़ेगा वहां पे, अपने आप तो नहीं आएगा. अगर आप, मैं एलएनटी के फैक्ट्री में बना रहा हूँ, लद्दाख में हूँ, अगर कोई मेजर उसका पार्ट वगैरह चेंज करना है, कोई मेजर रिपेयर करना है, आई कांट बी हॉलिंग इट ऑल द वे बैक टू एलएनटी. So there has to be an identified base repair workshop or advanced base repair workshop aage jahan pe ye mere ko set up karke dena hai, wo L&T and EME have to do. All these comes in your reliability trials. That's why parallel trials are very important and rectification is obviously on the go. Bada sa wo trial report hota hai, ek do trials mein partially I was involved. To usme ye on the go karte rehte hain because the team is also there. That is the DRDO and L&T team will also be there when the trials are going on. So there will be two sets of team from DRDO and L&T. Ek jo user trial ke saath hai, dusra ye jo reliability sustainability trial ke saath hai, wahan pe bhi hote hain wo. So that chalta rahe. Now my biggest issue is this fifth point. Limited series. Aapko chahiye 355. Aap inse keval 59 bana rahe ho. बैलेंस को बोल रहे हो आप ओपन में दोगे 295 किस से? फिर ये ऑकर्ट का फायदा क्या हुआ 59 के लिए कर रहे हो? और 355 नया दूसरा सिस्टम आ गया उसका क्या मतलब? फिर यूजर ट्रायल के ऊपर जाना है तो ये यूजर ट्रायल करके क्या फायदा हुआ? मेरा मानना है भाई साहब ये यूजर ट्रायल सक्सेस हो जाता है, रिलायबिलिटी सस्टेनेबिलिटी ट्रायल सक्सेस हो जाता है, पूरा 355 इन्हीं को दे दो, थैंक यू. अब इसी सिस्टम के ऊपर और कुछ एक्स्ट्रा बना के देना है, देन यू कैन सी कि भाई हाँ, यू कैन गिव द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर द प्लेटफॉर्म, दोज अदर पीपल कैन कीप मेकिंग इट. मुझे एडी गन्स चाहिए, मुझे और आरटी के गन्स चाहिए, मुझे अपना ईएमई के लिए, रिपेयर कवर के लिए, रिकवरी के लिए चाहिए, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स. कमांड एंड कंट्रोल के लिए चाहिए यूनिट, कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल. I'd like to add, you know, this is one of the most, you know, initially you might have said, okay, 59 will give so that to give in you know, protsahan dene ke liye vagara vagara. But now that you are very confident that they can make, you should start. And what's the, how, why should anyone put up a factory and everything and say, okay, I'll be happy with 59 tanks? That factory is a waste if you do not use it for the complete. That's what happened with Vajra. We made a complete factory for 100 Vajras. Now you are suddenly, you are in a position where, you know, you finished giving all the Vajras to the army and you have a factory and you're not using it. And you've gone in for a repeat order. And again, after 59 tanks, again you'll do. And then you'll get someone else who will now start learning how to put up a factory. Whereas for the past 10 years, by the time this first tank really rolls out into product, from production and into service, L&T would have had 10 years of experience of making tanks.
and then you want to restart with a new guy? That is actually stupid. The government is absolutely going off-road in this. And I think the armed forces, the army has to rethink this whole story. The MOD has to rethink this story. Otherwise, we are making a great mistake. Yeah, your views on this, Rajiv? बिल्कुल सही सर, यू मेकिंग अ बिग मिस्टेक. इतना जल्दी जो हम लोगों को पीठ थपथपा रहे हैं कि दो साल के अंदर इतना कुछ कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो 295 बनाएगा ये अगले 5-6 साल तक नहीं बना के दे पाएगा. कितना भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके दे दूं उसको, नहीं कर सकता. तो होगा नहीं. फिजिकल टाइम फॉर द पीपल टू बी ट्रेन्ड एंड अब्सॉर्ब दैट टेक्नोलॉजी, उसके पास तो ट्रेन्ड मैन पावर ही नहीं है. या नॉट ओनली दैट, यू नो, we've already done this once, you know, when we were going in for expanding our Pinaka regiments, we tried this, we tried to get more vendors in, and then it was proven. In fact, I was the one who went back to the MOD, and I went back to Mr. Manohar Parikar, late Mr. Manohar Parikar then. I said, sir, if you're going to get new vendors now, you're not going to get Pinakas, right, in the time frame we want. The Chinese will have, and then you will not have. He saw the light of the day and he said, forget new vendors, we'll go with the old vendors. We have Tatas and L&T, they're the best guys in business here. We'll go with them. And we had mechanisms to ensure that our cost was protected and our everything, IPRs, everything was protected. Now we are on a good path. So I think that Pinaka model has to be adopted suitably to this gun also. You see, and the point, I want to make a larger point. We adopted the model of Vajra for this gun. And we have a gun now. I mean, sorry, we have for this tank, and we have a tank now. Now you have to adapt the model of Pinaka, which already we know fully well. Okay. And adopt that for this so that you have expertise down the line for over a period of time. And you don't go astray. Right? And you don't need two models of tanks. You have 300 tanks. You don't need two models of tanks. That means one regiment will have one type and other regiment will have another type of tanks. That's not correct. In fact, it is counterproductive. Right? I don't know why the armed forces, the army accepted this. Maybe they accepted it at that point of time. I think it needs a review. Yeah. Anything else or we can go ahead? Nice. Boy, you need at every stage regular review and oversight that all whatever we have planned for, those targets are met, and what you have said as far as the DGQA and things are concerned, ki bhai ye nahi hona chahiye ki jo trial ke liye diya tha, that met all the standards, but when the bulk production started, the bulk production started missing the standards. That is very important for regular review and oversight. Now itself you got to look at who all are going to produce your ammunition for you. And start looking, why are you looking only at 355? Look at more. There'll be many more countries who would love to have these. Bangladesh had bought these Type 15 and they're facing a lot of problems. Huge for sustainability. So readily available hai. And you can look at a joint committee which oversees this whole thing and ensures that everything is done correctly in the manner which is both for internal and external. So, jaisi aap export pe jaate ho, your reputation depends on the sustainability of that. It is not the initial euphoria of buying, somebody buys something. Unless you are able to sustain it, your reputation comes from the sustenance. If you are able to sustain it, then your reputation is sky high. If you can't, then it takes... Your reputation goes for a 6 and then it's going to take you decades to get that reputation back. Yeah, and for all this, we need a joint committee. You know, the first and last point with is in this slide, army to oversee the process and a joint committee are very important. They go hand in hand. Unless the army takes responsibility and says, I need this tank. I need this tank the way I want it, not the way someone else wants it. And I need to have a committee which, you know, caters for the requirements for the army. And when you say requirements for the army, it is just not to defend yourself on the LAC. It needs to go across. Like what we said earlier, you need to have the capability of going across. And when you have the capability of
you know, and that will come if you have a good tank. That's, let's be very clear about it. And the day you have that capability, these Chinese fellows will start behaving differently. Oh, bolega China, Hindi, Chinese, bye-bye. Oh, I have no doubt about it. So that is something which is very important, which General Rajiv Narayanan is mentioning here. Last point in this I will add, which is not given here, is the, see, you brought out this Zorawar fast because there was an ecosystem. That ecosystem got developed with the Indianization and making of canine Vajra in India. And you made use of that ecosystem and you were able to do it, which gives you the correct path forward. That for making any type of weapon or equipment, you need to have your ecosystem. This concept of L1 has to go. Yeah. Forget your L1 now. If you're looking at your exports, if you're looking at improving your capability, this concept of L1 has to go. And the concept of what used to be there in Ordnance Factory, that every time you issue a new tender, 50% new vendors have to be there. They are all fly-by-night operators. Sorry. Create your own ecosystem and you will find that your equipment will start competing with the best in the world. Yep. Right. So now, let me give a point about our own DAP 2020. It is going to be reviewed in 2025. Bhai sahab, 13 kadam hai. अब ये यू में से डीएपी 2020 हमारे टाइम में भी 2016 उसके पहले 2010 2012 में भी था, ये ऐसी तरह 13 स्टेप्स होते हैं। इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई साहब, एक स्टेप को पार करने में आपको कम से कम 2-3 महीने लग जाते हैं 13 कदम पार करने के लिए। आप चल लो कॉन्ट्रैक्ट या पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जहां पे आपका सिस्टम आने लगता है, 13 × 3 months, 39 months, साढ़े तकरीबन 3-3.5 साल लग जाते हैं आपके, विच इज एवरीथिंग इज गोइंग हंकी डोरी, इट डजेंट हैपन लाइक दैट। एंड एट एवरी स्टेज क्लियरेंस इज बीइंग गिवन बाय डिसीजन मेकर्स हु आर नॉन टेक एंड हैव नो क्लू अबाउट मिलिट्री नीड्स। Yeah, this is a very important point which he has made, right? ये आसान खेल नहीं है। मैं आपको मैं personal उदाहरण दूंगा। जब हमने K9, M777, पिनाका वगैरह induct किया था, इसका खेल शुरू हुआ था actual, you know, started in 2010. But only it took us till 2016 to start actually pumping in the equipment and coming on ground. I was a major general when I started the trials. You know, when I was a major general, I started the trials of K9, M777, Pinaka, Dhanush, right? And the towed gun system, attacks project. I signed the first, you know, interest I gave to DRDO. This was in 2010, 11, 12. That 3-year period, it took us 3-year period to push things. It was only when as I was leaving service, some of these were not entering service, we were signing contracts. That's all. They all entered service after I left. It takes 6 to 7 years to go through this. That's the practical time. See, what General Shankar is saying is the 12th part, award of contract or placing contract. Of interest. हमें लगता है बहुत, प्रोसेस इज वेरी स्लो। और प्रोसेस शुरू कहां से होता है इसको आने से पहले? देयर इज अ 10 ईयर इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान ऑल थ्री सर्विसेज हैव गॉट टू मेक, 5-5 साल का वो बनाते हैं। या दैट दे हैव स्क्रैप्ड, इंसिडेंटली दे हैव स्क्रैप्ड दिस, ओके, दिस ग्रेट गवर्नमेंट हैज स्क्रैप्ड दिस, दे हैव सम समथिंग एल्स नाउ। None of this is linked with any integrated military strategy. कि वो strategy के लिए मेरे को क्या capability, how do you prioritize? So it all becomes that जो भी ज्यादा चीख सकता है, भाग दौड़ कर सकता है, जो भी service कर सकता है वो service ले जाएगा।
अभी तो एक और लेयर आ गया सीडीएस का, पहले तो सर्विस हेडक्वार्टर आईडीएस एंड वेंट स्ट्रेट टू द एमओडी, नाउ देयर इज अनदर लेयर यू हैव टू क्रॉस व्हिच इज द सीडीएस. सो देयर आर ट्रेमेंडस डिलेज एंड ओवररन्स एंड इट इज इन दिस एस्पेक्ट आई एम सेइंग लुक एट दिस मॉडल हाउ सक्सेसफुल कि दो साल के अंदर यू हैड द कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड अ टैंक फॉर ट्रायल्स. दैट मींस फ्रॉम ए टिल जी इट हैज जस्ट टेकन 2 इयर्स. या You can't take more than another 1 to 2 years from G to the last. 7 steps you have done it in 2 years, and the rest you should be ready in about one and a half years. The asset test comes now. ठीक है ना? Then, अभी उन्होंने prioritization किया दिया और उसमें indigenous content, IC जो बोलते हैं indigenous content. First priority they will always give to Indian IDDM. That is Indian designed, developed and made. Dusra is by Indian, that it has a foreign technology but is made completely in India. Next is buy and make, where you have a JV, Indian company has taken a JV with a foreign company, so you buy it and make it in India. Third is buy global and manufacture in India. Buy and make in India is something like apna AK203. Okay, you have created that company, or you can take BrahMos. You have created that company and it is making, you got the technology from the Russians. Buy global and manufacture in India. And last is buy global. If there is nothing available, then you go and buy global. ठीक है. But my contention is this, if you're going to review your defense acquisition process, the Zorawar, the way it has been conceptualized by the then DG Armed Corps, Karan and his team along with DRDO and whoever was there in the MOD and the acquisition division, whoever were all there, they should put their heads together now to make sure that you are able to do things like this. Otherwise, it will be back to square one. Hamare newspapers go gaga acceptance of necessity mein. I'll just go back and show you where is the acceptance of necessity. Bhai sahab, number 3 step hai, acceptance of necessity. It is just back, sir, one step back. I had acceptance of acceptance of necessity is number 3 step. Yaar, abhi 10 step aur hai, aur people go gaga aur acceptance of necessity mil gaya. Itne hazar crore ka hum kar rahe hain, kahan kar rahe hain? Abhi to bola hai, haan kar sakte ho. Acceptance of necessity is haan kar sakte ho. Uske baad to aapke 10 kadam hai. और 10 कदम में 3-3 महीने लग गए तो 3 साल कहीं नहीं गए. मैं तो बोल रहा हूं 4 से 5 साल कहीं नहीं गए. एंड द रीजन आई एम सेइंग दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस एंड इंप्रूव दिस एंड मेक इट फास्टर. आज के तारीख में टेक्नोलॉजी, बाय द टाइम द इक्विपमेंट इज फील्डेड, इट विल ऑलरेडी बी ऑब्सोलीट एज फार एज द टेक्नोलॉजी इज कंसर्न. या यू हैव टू थिंक अहेड ऑफ द गेम, यू हैव टू थिंक अहेड ऑफ द लूप. इफ यू कैन नॉट कंप्रेस टाइम, देन यू आर wasting. Okay, you sorry. No, I've closed it. Ho gaya, sir. Presentation is over. Yeah, presentation is over. Good. So we are very clear ki karna kya hai. This whole thing, we have reached a stage where we have achieved quite a bit. We should be proud of it. But now to take this from where it is to the finish line is something which is very important. Okay. Basic issue which I am making, sir, Zorawar has learned from the lessons of Arti. Your Vajra, your Pinaka and other guns which are coming, attacks, you have Dhanush, you've learned the lesson from there. And here you have brought it to a stage where it shows that if you have your ecosystem and utilize the ecosystem, your systems can come in fast. Now you want to build on this and see and build it into your DAP. How can you do these things faster? Faster. And if you can't afford, the nation can't afford ki aap purane hi kahani chalte raho aur wo tera steps na dheere dheere kachue ki tarah chalte raho, hum usi line pe chalenge. You have to do parallel processes. You have to take shortcuts. Not shortcuts, really. You have to actually shorten the circuit. How you shorten the circuit? But you have to take risks.
You have to anticipate taking risks. You have to mitigate taking risks. I mean, all this is involved. Okay? And how you ensure that this damn thing is on the line in the next 2 years? That's the challenge. If it isn't on the line in the next 2 years, it's a failure. See, the whole that's the way I look at it. Once the trial is successful, people think, oh, equipment aa gaya. Nah, ji. No. There is a finite technical time required for that company to produce those things. He can't cut corners if he has to meet my standards. He cannot cut those corners. So if he has a capability to produce, let us say, 50 items in a year, he can only produce 50 items. If I need 355, it will take him 7 years. Now, I have to start thinking, can't sit back. Ye equipment 7 saal lagenge. So what all is the new technologies that are coming in? Start putting them into the next lot of equipment which is going to come in. And when the older equipment go for overhaul, bring in all the new and upgrade them and start upgrading them and taking them forward. Otherwise, you will be by the last lot of equipment will come. That last lot of equipment will be obsolete based on the that time's current technology that is available in the market. Yeah. And in this, you don't not only have to produce a tank, you have to produce ammunition together. Ammunition for it. Right. You need a lot of ammunition. Okay. I mean, the way I look at it, minimum. Minimum is 80 rounds per gun. That's the minimum. You need more, actually. Right? If you have to fight... Thumb rule is 100, sir. 100. Okay. Thumb rule is 100. That's the min... And that's the start. That's yes. That won't last you for more than, you know, 10 what days. What is on the tank? Plus, what the unit holds in the, this thing is 60 and 40 has 60, to come from 40 back. 100. So, you're looking at about 3,000, 4,000 rounds. And not only one type of round. You see, different. The thing is, we have not discussed the kinds of ammunition that are under thing. You want APF SDS, you want heat, right? High explosive anti-tank, you know, or even normal high explosive. Yeah, you know, it's just not that a tank keeps firing in a tank. Tanks fire at other places also. Okay, and especially in also now these days, which is coming in the anti-helicopter and the anti-drone rounds. Yeah, then you need... You need ammunition for your, you know, secondary armament. You need ammunition for your ATGMs. What kind of ATGM you're putting in what? So there's a whole lot of parallel activities which have to go on. Yahan tak aapko ye chahiye ki bhai aapko jo smoke grenades hai, dispensers hai, wo kahan se aayega? Uska bhi ek factory lagega. Yahan tak agar aapko kuch special lubes chahiye, aapko kuch special tel chahiye, उसका भी कहां से आएगा वो भी कहानी पूरा इसमें देखना पड़ता है देयर अ होल लॉट ऑफ थिंग्स आई मीन दिस इज समथिंग व्हिच आई हैड टू यू नो एज मच एज आई हैड टू डील विद होल लॉट ऑफ पीपल कि ये हमारा गन आ रहा है ये आ रहा है वो आ रहा है कि गन आ रहा है तो उसका कमांड पोस्ट कहां से आएगा वो अगर गन आ रहा है तो उसको टोइंग कैसे करेंगे हम ये सब देखना पड़ता है इसमें भी वही है ये अलग नहीं है इसमें कम्युनिकेशन का क्या सिस्टम है हाउ डू यू गेट टू कम्युनिकेशन हाउ डू यू डू कम्युनिकेशन विद स्पेस सो ऑल दोस थिंग्स हैव टू बी थॉट ऑफ नाउ एंड यू नीड दिस इन नेक्स्ट 2 years इन द वे आई लुक एट इट द लास्ट पॉइंट व्हिच आई हैड सेड एंड द फर्स्ट पॉइंट द आर्मी हैज टू टेक कंप्लीट रिस्पांसिबिलिटी एंड देयर हैज टू बी अ एम्पावर्ड कमिटी टू स्टीयर द होल स्टोरी एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड अदरवाइज आई विल टेक क्वेश्चंस Bilkul. And based on this, you have to do the revision of your defense acquisition process, which is existing. Based on this, you start revising it and you will find... Yeah, yeah. You have to think out of the box to get new ideas to ensure... Look, the defense acquisition process is just a process. If the process comes in the way of your acquisition, you have to subvert the process. You have to find ways out of it. You can't say कि भाई ये किताब में ये लिखा तो हम यही करेंगे अगर आप वही करोगे तो आपको गन नहीं मिलेगा किताब मिलेगा आपको बस राइट और किताब के साथ आप पढ़ते रहो चाइना वाले को नहीं नहीं जब चाइना वाला आएगा देख के मार देना कि ये नहीं या चाइना वाला जब आएगा उसको बोलो भाई मेरे किताब में तो ये पढ़ा लिखा नहीं है कि आप क्यों आ रहे हो जब हमारा गन आएगा तब आना
दो थप्पड़ लगाए गए हमें, राइट, यू नो. सो वी हैव टू रियली थिंक आउट द बॉक्स बिफोर वी फिनिश. योर फाइनल कमेंट्स एंड देन विल से जाहिद. सर, फर्स्टली फुल मार्क्स टू दैट टीम हु ब्रॉट इट विद इन 2 years. दैट मींस 7 स्टेप्स कंप्रेस्ड इन 2 years, एवरीथिंग इन प्लेस, इट्स रेडी. And now I look forward to that this is taken through to its actual position where it gets fielded in the way. Ye 59 and 295, this doesn't work. It doesn't work properly. You should take a leaf from how we did the Pinaka also and your listing. Get this full 355 to 1. And jo baki family hai, uske liye aap dekh lo. एक दो और ले लो. डोंट गो फॉर ओपन टेंडरिंग एंड आइडेंटिफाई कौन सीरियस है, कौन करना चाहता है. इफ यू फील कल्याणी वांट्स टू डू इट, गिव हिम समथिंग. इफ यू फील टाटा आल्सो वुड लाइक टू डू समथिंग, गिव हिम समथिंग एंड जस्ट हैव दिस 2-3 एंड लेट देम क्रिएट. टेल देम टू क्रिएट देयर ओन इकोसिस्टम ऑफ एंसिलरीज एंड एवरीथिंग. यू विल हैव अ वंडरफुल सिस्टम अवेलेबल बिकॉज देन दोज एंसिलरीज कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट देयर सब सिस्टम एंड सब सब सिस्टम्स अब्रॉड. If your equipment starts working very well, people will start buying it. Yeah, that is how exports are. If you look at armytechnology.com or airforcetechnology.com or even your navaltechnology.com, there are a whole lot of these ancillaries who are selling things on them. But when you read it carefully, you'll find that if you take, we all say, oh, ho, ho, the Leopard tank is so good. So there will be one lead integrator where everything is integrated. Something is made there. He has his own ecosystem from where things come here. And he knows, he respects them. The ancillaries know that the orders are going to come from them. There's no business of L1 or having 50% more people within that next tender and all the tenders. He places the order to his ancillaries and they give it to him. That is how the ecosystem has to be developed. As you're growing forward, and if you want to say that I'm going to be a major power someday, well, if you don't do these things, you can. You're not going to be a major power. You can kiss your ass goodbye as far as great power is concerned. Kuch nahi hona, ye L1 system se kuch nahi hona. Yeah, L1 and all is required to a point. Beyond a point, you need to have something else. Right? So, thanks a lot, Rajiv, for your frank. हमारे जितने भी स्मॉल आर्म्स वगैरह, देयर इज कॉमनलिटी विद द पैरामिलिट्री. पैरामिलिट्री हैज नो सच प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर यार. टीम बनाता है, लेके आ जाता है, वो टीम बोलती है ये ठीक है, खरीद लेते, खत्म. व्हाई आर द ब्यूरोक्रेट्स इंटरफियरिंग देयर इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर प्रोक्योरमेंट लाइक यू आर डूइंग फॉर द डिफेंस. लुक एट इन्फेंट्री यार, उसको हथियार चाहिए. Look at paramilitary, usko hathiyar chahiye. Most of the equipment which the infantry uses and the paramilitary uses almost the same. There is no DAP out there. Ek ko tum chhoot de rakhe ho ki jis tarah se lena hai le lo, dusre ko bol rahe ho na ji main bataunga aapko 4 5 6 saal 10 saal tak aapko baad mein milega. Ye to siyappa hai. And you then want this chap to, you know, conquer and beat Chinese and Pakistanis together, 2.5 front war. Right. Then you blame the infantry ki tumhare hathiyar nahi aaye abhi. Hathiyar nahi hai. Procurement 13 kadam jo chalna padta hai, jisme minimum 3 mahine lagte hain per step. Actually, to understand it, this to understand it will take you 13 years. You have to make that chap who's unlettered on these issues understand na, he is the decision maker. Yeah. So I think we put across all our points of view. Thanks a lot, Rajiv, for your views. And thanks a lot for all the viewers, for all your comments. We can't take all comments which you put across. Right. Before I forget, tomorrow we're going to have a very interesting guest, Amjad Ayub Mirza from, you know, across. He's coming. And later in the week, both of us, we're going to have a discussion with Mr. Sanjit Dixit on some interesting developments in China. So just watch out and hang on. And if you're not subscribed to the Gunner Shot, do so. And please do like this video if you feel value is there in this whole story. Thank you. Good evening. And Jai Hind to all of you. Jai Hind. Jai Bharat.